मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बिहार की एक महान विभूति श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय जिले के सेमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 में एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। एक छात्र के रूप में दिनकर के पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दिनकर इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, किड्स और मिल्टन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया। वह हिंदी के प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और चिकित्सक भी थे, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। दिनकर राष्ट्रवादी कवियों में राष्ट्रवादी कविता के साथ एक विद्रोही कवि के रूप में भी उभरे। उनकी ज्यादातर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत थीं। दिनकर ने शुरू में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में वह गांधीवादी बन गए। हालांकि वह अपने आप को बुरा गांधीवादी कहते थे, क्योंकि उन्होंने युवाओं के बीच आक्रोश और बदला लेने की भावनाओं का समर्थन किया। अतः राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने वाली प्रेरणादायक देशभक्तिपूर्ण रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान दिया गया। अपनी रचना कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध विनाशकारी था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी था। दिनकर 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और वह अप्रैल 3, 1952 से जनवरी 1964 तक इस सभा के सदस्य रहे। 1959 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों की एक सभा में दिनकर की कविता को शानदार ढंग से पढ़कर जनता को आंदोलित कर दिया था। कविता का शीर्षक था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो दोस्तों, आज हम उनकी इसी कविता का पाठ करेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ते वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न, गुड जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजालो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो बुकुट चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्दियों का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में।
फावड़े और हल राज दंड बनने को है। घुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।